मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, काला हिरन आज के समय में काफ़ी चर्चित है, और सचमुच में काला हिरन क्या है और किस प्रजाति का है तो हिरन ही, लेकिन ये थोड़ा अलग है, क्योंकि इस हिरण के मादा के सींग नहीं होते, जबकि नर के दो तीन की संख्या में सींग होते हैं, और इतने घुमावदार होते हैं कि वे काफ़ी आकर्षित होते हैं, और वे ही उनके लिए आकर्षण का केंद्र है, और साथ साथ कह सकते हैं उनके अधिक से अधिक शिकार का भी ये कारण है। साथ साथ उसके शिकार का कारण खाने के लिए भी मांस के रूप में होता है, लेकिन ये चोरी छिपे होता है। और बिश्नोई समाज का अगर कहें तो बिश्नोई समाज का ये बहुत ही हम कह सकते हैं कि माननीय पशु है, और उसे वे लोग देवता के रूप में पूजते हैं। और ये जो काला हिरण जो कि आज के चर्चा में है, सचमुच में ये राजस्थान का राज्य पशु भी है। उसके अलावा अगर इसके इतिहास को देखा जाए तो शुरू में इसकी संख्या काफ़ी अधिक थी, लेकिन धीरे धीरे इसके प्राकृतिक आवास को हम लोग नष्ट करते गए, और साथ साथ इसके शिकार इतना अधिक इसका शिकार हुआ कि इनकी संख्या धीरे धीरे घटते घटते कुछ सीमित क्षेत्रों में ही सीमित हो गई। और चूंकि जंगल कटते गए और वहाँ पर सारे विकास के कार्य होते गए, इसलिए धीरे धीरे इनकी संख्या और इस तरह से इतनी संख्या घट गई। अगर आज़ादी के समय से और आज के समय में तुलना की जाए तो इनकी संख्या काफ़ी कम हो गई, और उसकी संख्या या घटते हुए संख्या को देखकर भारत सरकार ने इसे 1972 में जो वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम बना उसकी अनुसूची 1 में डाल दिया गया है। इसका मतलब यह है कि ये इंडेंजर्ड स्पेसीज है, और अगर इसके लिए कुछ काम नहीं किया जाएगा तो ये धीरे धीरे प्रजाति विलुप्त हो जाएगी। और भारतीय उपमहाद्वीप में अगर बांग्लादेश को देखा जाए तो वहाँ सचमुच में यह पूर्णतः विलुप्त है। भारत में है, और भारत में भी राजस्थान की बात की जाए तो वहाँ चूंकि एक परंपरा है और एक समाज है, बिश्नोई समाज, जो इस पशु के या इस हिरण के प्रति अपने जान देने के लिए भी वे लोग तैयार रहते हैं। थोड़ी सी मित्रों देख लिया जाए कि सचमुच में इनके पीछे क्या धार्मिक भावना क्या है। तो बिश्नोई समाज एक्चुअली 20 और 29, 20 20 के बाद जो 29 आ रहा है, तो वो बिश्नोई उसमें दो संख्या मिल रही है, 20 और 9, 9 नोई और 20, ये दोनों मिलाकर 20 नोई बना है। और चूंकि उनके गुरु जम्बा जी थे, और जम्बा जी का जन्म 1451 में हुआ था, उसे जम्बेश्वर भगवान भी कहते हैं, और जम्बेश्वर भगवान जीव जंतुओं के प्रति दया भाव, साफ सफाई, समर्पण, शाकाहार जीवन और भी बहुत सारी बातों को एक साथ मिलाकर एक नियम बनाए, जिन नियमों में संख्या नियमों की 29 हुई और 20 और 9 9 बिश्नोई। और आज भी वे लोग बिश्नोई कहलाते हैं, और उसी नियम को अपने कुल देवता को, अपने गुरु को आज भी श्रद्धा के साथ पूजा करते हैं, और जीव जंतुओं को किसी तरह का कोई हानि नहीं पहुंचाते हैं। तो सचमुच में बिश्नोई समाज काले हिरण को देवता के रूप में मानते हैं, उनकी पूजा करते हैं, क्योंकि उनके गुरु जिसको जम्बेश्वर भगवान कहा जाता है, वे इसके प्रति काफ़ी समर्पित थे, या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जीव जंतुओं के प्रति, पेड़ पौधों के प्रति उनकी इतनी सहानुभूति है कि वे जान देने को भी तैयार रहते हैं। तो सचमुच में थोड़ी सी इनकी देख लिया जाए कि आज के समय में इनकी क्या संख्या है,
तो राजस्थान में अभयारण्य में ही ये सीमित हैं, और उसमें माना जाता है कि 6-7 हज़ार के करीब इनकी संख्या है। और भारतीय उपमहाद्वीप में सचमुच में जब हम आज़ादी मिली हम लोगों के, उस समय इनकी संख्या काफ़ी अधिक थी, और माना जाता था कि लगभग 1 लाख की संख्या थी। लेकिन काले हिरण की संख्या आज के समय में लगभग 25 हज़ार माना जाता है, और ये संख्या दिन प्रतिदिन घटते जा रही है। और समय अगर हम लोग इस पर कोई प्रयास न करें और इसके लिए कोई कार्य न करें या सुरक्षा के लिए कोई उपाय न करें, तो सचमुच में आने वाली पीढ़ी यही कहेगी कि हमारे देश में काले हिरण होते थे, और उनकी उनका फोटो, उनका चित्र इस तरह से चित्र के माध्यम से जान पाएंगे। जैसे आज के समय में बहुत सारे जीव जंतु पृथ्वी से नष्ट हो गए हैं, विलुप्त हो गए हैं, केवल उनके चित्र को ही देखकर संतोष करते हैं। मित्रों, यह हिरण की प्रजाति का है, और एक इसकी अगर बहुत सिंघा में देखा जाए हिरण में, तो एक ही ये इकलौती जीवित है। और भी जितने इसके इससे मिलते जुलते हिरण थे अधिक सींग वाले, तो वे सारे विलुप्त हो गए हैं। और भारतीय उपमहाद्वीप की अगर बात किया जाए, तो इनकी 4 प्रजातियां पाई जाती हैं, और जो हमारे यहाँ भारत की जिसकी चर्चा चल रही है, उसका अगर साइंटिफिक नेम देखा जाए या जूलॉजिकल नेम देखा जाए, तो उनका नाम एंटीलोप सर्विक पारा वैज्ञानिक नाम है, या जूलॉजिकल नाम है, या साइंटिफिक नाम है। और मित्रों, ये इतना दौड़ने में तेज हिरण होता है कि सचमुच में चीता को छोड़कर कोई दूसरा इसका शिकार करने में सक्षम भी नहीं होता है। हालांकि इनके बच्चों के बहुत सारे दुश्मन हैं, और उन दुश्मनों में जंगली कुत्ते, सियार इनके बच्चों को बहुत अधिक नष्ट कर देते हैं, ये शिकार कर लेते हैं, और साथ साथ बचे खुचे जो बच जाते हैं उसके हम लोग भी शत्रु बन जाते हैं, और जिस कारण से ये धीरे धीरे पृथ्वी से घट रहे हैं। तो मित्रों, हम लोगों का पुनीत कर्तव्य है कि जैसे ईश्वर ने हम लोगों को बनाया है, उसी तरह उन लोगों को भी बनाया, उनको भी जीने का अधिकार जैसे हम लोगों का है, उन लोगों को भी जीने का अधिकार है। क्योंकि हम किसी को जीवित नहीं कर सकते हैं, किसी को किसी में जान प्राण नहीं डाल सकते हैं, तो किसी के प्राण लेने के हम कतई अधिकारी नहीं हैं। मित्रों, इस संदेश को जन जन तक पहुंचाने का अगर हम काम करें, जहां पर लोग नहीं समझते हैं, नहीं जानते हैं, और दूसरे दूसरे जंगली जानवरों जंतुओं को निर्दयता पूर्वक मार देते हैं, तो सचमुच में वे मानव के प्रति, ईश्वर के प्रति बहुत ही बड़ा अत्याचार करते हैं। नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद। आशा के साथ कि आप भी जंगली जीवों के प्रति या जंतुओं के प्रति आप दया का भाव रखेंगे, क्योंकि वे हमारे बहुत ही निकट के मित्र हैं।